पाकिस्तान में 10,000 ला करके और पीठ थपथपा करके भी धोखा करने का काम आपने किया। बड़े उत्साह के साथ उनके प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमने तो शिक्षा मित्रों को 3500 से 10,000 कर दिया, 3 गुना। और ये कहीं नहीं बोले कि 3 गुना घटा दिया, घटाए हैं कि बढ़ाए हैं? आप उनको घटाओगे कि बढ़ाओगे? फिसल सूत्रों से यह भी पता चला है कि अभी राजनीति चलेगी, आपकी भी राजनीति चलेगी और जितेंद्र साई और शिवकुमार शुक्ला और शिक्षा मित्रों की भी राजनीति चलेगी। जब तक एक एक शिक्षा में सहायक अध्यापक नहीं बन जाएगा, अगर हमने 14 साल मोमेंट चला के सहायक अध्यापक बनवाने का शासनादेश जारी करने का काम किया, भाई अनिल जी कह रहे थे हमने भीख नहीं मांगा किसी से, हमने संघर्ष करके अपने आप को अपने पद पर स्थापित करने का काम किया था। ये वो संगठन है जो विश्व में वो पहला संगठन है जिसने इतनी बड़ी तादाद में संविधान से समायोजन कराने का काम किया था। और महोदय आप ये भूलिएगा मत, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम लोग आगे चलना जानते हैं, हम इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे, हम चलते जाएंगे और आपको कुछ दिन बाद फिर मिलते जाएंगे, दिन बाद दिन मिलते जाएंगे, समय समय पर मिलते जाएंगे। और एक दिन वो भी समय आएगा कि मजबूर होके पुनः शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर पुनः स्थापित हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये SGPA प्राथमिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा जाटव जी, विनोद जाटव जी, भीम यादव जी, बलदेव प्रसाद पांडे प्रांतीय महामंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज करके और शिक्षा मित्रों के समस्याओं के निदान के लिए अपील किया है। बहन पुष्पा जाटव जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और ऐसे वो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं जो आज शिक्षा मित्रों की आवाज को लेकर के एमएचआरडी मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को पत्र लेकर के आगाह कर रही है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। किसान यूनियन के साथी कल हमारे बीच में थे, आज भी साथी बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें समर्थन दिया, सहयोग किया, इसके लिए मंच आपका आभारी। मैं वो सपना लेकर के निकला था कि शिक्षा मित्र संविदा पे नहीं आएगा, तो शिक्षा मित्र संविदा से समायोजन गया। और मैं आज फिर संकल्प लेता हूं, यह पूरे मंच का संकल्प है कि शिक्षा मित्र पुनः सहायक अध्यापक के पद पर ही जाएगा, रोक नहीं पाएगा। आप शासनादेश भी जारी करेंगे, आप मंचों से घोषणा करेंगे, आप चिल्लाएंगे, एक एक शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बनाने के लिए आप मजबूर होकर गांव गांव चिल्लाएंगे, मैनिफेस्टो में आएंगे, लेकिन ये बड़े झूठे हैं। अभी इतना सुंदर मैनिफेस्टो जारी हुआ और जब ये गांव में जाते थे, मंचों पे आते थे तो बड़ा प्रेम से चिल्लाते थे कि ये बात को मैं लागू करने का काम करूंगा, बस एक बार मुझे वहां आ जाने दीजिए। और जब आपने भेज दिया तो शिक्षा मित्र मैं जरा सा इनको नुक्स क्या मिल गया, उसका तो पूरा प्रयोग कर रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के भविष्य को देखते हुए इनके
ये विजेंद्र सिंह यादव जी प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन का पूर्ण समर्थन मुझे प्राप्त है। स्वागत धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं कि 3 बजे तक आप सम्मान के साथ बैठे और 3 बजे के बाद जब भी मंच का निर्णय होगा अफरा तफरी नहीं होगी, नहीं होगी ना। सम्मान हम लोग गिरफ्तारी देने का काम करेंगे और दिल्ली पुलिस प्रशासन जिस भी जेल में हमको लेके चलेगी हम लोग वहां ही अपना रामायण भजन करते रहेंगे और वही भोजन होगा, वही खाना होगा, वही नहाना होगा। और तब जेल में कितने दिन रखोगे तब मंत्री जी बात करेंगे, उसके बाद ये शिक्षा में तक जाने वाला है। इसलिए मंत्री जी अभी भी बहुत समय है, सम्मानजनक हम निकल जाए। शिक्षा मित्र 4 दिन से आ बैठा है, किसी को यहां बैठने की शौक नहीं है, लेकिन वही है कि जहां बेहतर हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। यहां तो केवल अच्छी बातों को सुन लीजिए। अब जब आप वहां से एंट्री करते हैं तो आपको लगता होगा कि कितने अब कितने लोगों को ये लोग सुन रहे हैं और कितने की समस्या का निदान हो रहा है। लेकिन महोदय आप यह भी जान लीजिए कि हम उन लोगों में से नहीं है। यहां एक एक आदमी क्रांतिकारी भी है और कर्तव्य भी है, निष्ठावान भी है, क्योंकि शिक्षक है। और जब इस देश का शिक्षक सड़क पर आ गया समझो उस देश का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। आने वाली नस्लें जिनको मुझे पढ़ा के आपके डिजिटल इंडिया में ले जाना था उनकी समय सीमा और उनकी रूपरेखा तो आपने बर्बाद ही कर दिया है। मेरे बच्चों को 1,70,000 के घर के बच्चों को आपने जब मेक इन इंडिया से बाहर कर दिया है वो आप विद्यालय से घर वापस आ रहे हैं तो निश्चय जान लीजिए कि आपका मेक इन इंडिया सही सफल होने वाला नहीं है, डिजिटल इंडिया सफल होने वाला नहीं है। जब इन अध्यापकों का मेक इन इंडिया होगा, इनको आप सम्मानजनक स्थिति में रख पाएंगे तब आप डिजिटल इंडिया बना पाएंगे। अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो शिक्षकों के पास जाना होगा, इनकी समस्याओं को सुनना होगा, इनके समस्याओं का निस्तारण करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम भी अब चुप बैठने वाले नहीं है। ये मोमेंट अब दूसरी तरफ मुड़ने जा रहा है, लेकिन वो भी हम उस स्तर पे मोड़ेंगे जिस स्तर पे हम आपको रोज रोज तकलीफ देंगे। सुबह उठ के आपको तकलीफ देंगे, शाम होते ही आपको तकलीफ देंगे और गिरफ्तारियों के बाद आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी। इसमें से घर जाने वाले लोग नहीं है, लाठी डंडा से डरने वाले लोग नहीं है। इसलिए आप लोग पूरी तरह से मन बना लीजिए और पीछे भाई जो सुन रहे हैं वो भी घबराइएगा मत नहीं, घबराएंगे। आप हाथ हिला रहे, मैंने देख लिया बहुत दूर से, सभी लोग जेल चलेंगे, चलेंगे ना। तब पूरी तरह से आप तैयार रहिए, समय अपने अपने हिसाब से धीरे धीरे अपने अंतिम पायदान की तरफ बढ़ रहा है। भाई सारी जी भी सारे बोल चुके होंगे, इसलिए अभी नहीं बोले हैं तो अभी